लेकिन क्या कह रहे हैं, इंटरफेरेंस इफेक्ट विच रिजल्ट फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन क्रिएट। ये बेसिकली डेफिनेशन किसकी है, बीट्स की। देखो बीट्स में होता है, ट्यूनिंग फॉर्क लेके हम रॉबर्ट पैट में मारते हैं, तो अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी देखो 256 है, ये नई फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, जो भी बीट की वैल्यू है वो प्लस माइनस हो जाएगी ओल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसा कि अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 256 थी और बीट्स कितनी थी आपकी, 4 थी। अब 256 में एक बार 4 प्लस कर लो 260, एक बार 4 माइनस कर लो 252। अब क्या है कि बीट्स की बहुत सारी डेफिनेशन है, इस जन में पता है क्या होता है, जैसे कि पूरा दिया था इन्होंने, हम यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, इस डेफिनेशन को बीट्स कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये तीन डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों को अच्छी तरह समझ लीजिए। न्यूमेरिकल और शॉर्ट ट्रिक तो अलग है। देखो पहली डेफिनेशन क्या है, इंटरफेरेंस इफेक्ट विल रिजल्ट फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन क्रिएट। क्या आंसर होगा इसका, एमसीक्यूज का, बीट्स। ठीक है जी, एक और देखें, इफ टू ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर स्टक और रबर पैड, वन हेयर अ साउंड ऑफ चेंजिंग इंटेंसिटी कॉल्ड, इस डेफ, ये भी किसी की डेफिनेशन है, बीट्स ही की डेफिनेशन है बच्चों। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, द पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट एट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये भी किसकी डेफिनेशन है, बीट्स की। ह्यूमन एयर 7 से अबव की बीट्स फॉलो नहीं कर सकता, एक ये बड़ी भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तीनों देखें एमसीक्यूज में तीनों डेफिनेशन आई थी, किस तरह से पूरी डीवी थी और कहा था कि ये है क्या, जैसे कि यही वर्डिंग थी ऑप्शन में था, बीट्स फ्रीक्वेंसी रिलेटेड। तो याद रख लेना, एक जगह अलग से नोट कर लो कि ये बीट्स की डेफिनेशन है। दूसरी बात भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाए हम लोग भारी भारी, इंग्लिश वगैरह के लिए वाले से आप एक छोटा सा रजिस्टर भी बना लें, हालांकि इंग्लिश का भी अच्छा खासा काम कर रहा था। ठीक है,